क्या टॉपिक है? अधिगम परिस्थितियां, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, शिक्षण का मूल आधार, द बेसिक ऑफ टीचिंग। अब इसमें रॉबर्ट गे ने क्या कह रहे हैं, देखिए शक्ति के रूप में था तो क्या बोलते हैं, बर्नर्ड है ना जी, क्या नाम था जी, बटन और गेने, बटन गेज और गेने का आपने देखा है डेफिनेशन। लेकिन यहाँ शिक्षण का मूल आधार अधिगम परिस्थितियां ही हैं। हाँ, हम पढ़ा रहे हैं आपका, तो उसका मुख्य आधार, उसका बेस क्या है, तो अधिगम परिस्थितियां आप सीख रहे हो नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो कोई है मास्टर, एक दो को जने नहीं पढ़ेंगे जी, जाओ आप आए एक घंटा इसी तरह बैठ के चलो, तो आप सिखाए क्या नहीं। तो वहां पर क्या है, तो गेने क्या कहते, अधिगम की व्याख्या साधारण सिद्धांतों के आधार पर कर पाना संभव है, साधारण सिद्धांतों के आधार पर कर पाना संभव। इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लेन लर्निंग ऑन द बेसिक ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स। अधिगम के स्वरूप का सामान्यीकरण केवल अधिगम परिस्थितियों के निरीक्षण के आधार पर ही संभव है। क्या बोला जा रहा जी, अधिगम के स्वरूप का सामान्यीकरण केवल अधिगम परिस्थितियों के निरीक्षण के आधार पर ही संभव है ना। अच्छा, इक्वलाइजेशन ऑफ लर्निंग पैटर्न इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग कंडीशंस। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या उसमें निहित पूर्व आवश्यकताओं के द्वारा ही संभव है। तो प्रत्येक व्यवहार की जो व्याख्या है उसमें निहित पूर्व आवश्यकताओं के द्वारा ही संभव है। तो देखो जो भी है, आप देखो शिक्षण ले रहे हो तो व्यवहार में परिवर्तन के कारण, अब व्यवहार में परिवर्तन भी होता तो कहीं ना कहीं आपके पूर्व आवश्यकता उसके कारण भी हो जाते हैं, नहीं हो जाता जी, ठीक है। एक छात्र के लिए बाह्य रूप में अधिगम परिस्थितियों की व्याख्या करना ही शिक्षण होता है। जाहिर सी बात, आप आ रहे पढ़ने के लिए तो क्या एक्सटर्नल रूप में ले रहे हो ना जी, हम तो एक्सटर्नल ही ना हो गए जी। उसके बाद अगर वो दिल दिमाग में आपका इन कर जाए, उसके बाद देखो आपका आंतरिक रूप में भी दिखेगा। लेकिन फिलहाल एक छात्र के लिए अधिगम परिस्थितियों की व्याख्या करना ही शिक्षण है, किस रूप में, बाह्य रूप में। इन अधिगम परिस्थितियों की व्याख्या में स्तरीकरण किया जाता है। प्रत्येक अधिगम परिस्थिति के लिए उनकी पूर्व परिस्थिति छात्र के लिए आवश्यक होती है, जिससे धारण शक्ति विकसित होती है। टीचिंग मीन्स अरेंजिंग कंडीशन ऑफ लर्निंग। टीचिंग का मतलब यही ना भाजी, कोई भी दशा उसको आप अर्निंग उसको क्या करें, अरेंज करें। डेट आर एक्सटर्नल टू द लर्नर्स, क्लियर। दीज कंडीशंस नीड टू द कंस्ट्रक्टेड इन अ स्टेज बाय स्टेज, है ना जी, वही ना, प्लास्टिकरण के द्वारा किया जाता है। आप कुछ भी सीख रहे हो क्या स्टेज बाय स्टेज सीख रहे हो कि नहीं, आप जो वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर क्लास में बच्चे लोग बढ़ते जाते हैं, तो क्या स्टेज बाय स्टेज और भी अधिगम करना और भी अच्छा हो जाता है या नहीं। अच्छा, टेकिंग ड्यू अकाउंट टू एट ईच स्टेज ऑफ द फर्स्ट एक्वायर्ड कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर द रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटेंशन फॉर दीज कैपेबिलिटीज। अब इसमें रॉबर्ट गे ने क्या कह रहे हैं, अधिगम परिस्थितियों के अस्थिकरण की अवस्थाओं की व्यवस्था निम्न रूप में की है। रॉबर्ट गे में जो लर्निंग जो कंडीशन है, देखो कभी कभी पता पढ़ना लोगों को पड़ जाता है उसका कंडीशन के आधार पर, अरे नौकरी लेना जरूरी है तो पढ़ना, लो भैया पढ़ना जरूरी है तो उसके लिए कोई नहीं पढ़े, अच्छा नौकरी मिलता है इससे, अच्छा 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 तब जरूरी है, तो वहां परिस्थिति हुआ कि नहीं तब ध्यान लगता है, अच्छा तब पढ़ना चाहिए। नहीं बच्चा में तो ऐसा सोच के नहीं पढ़ता है सर, हाँ तो वहां शक्ति के रूप में पढ़ता है ना जी, प्रेशर पड़ता है तब ना पढ़ता है ना जी, नहीं तो पढ़े जी नहीं पढ़े। और अभी अभी पढ़ाई का स्वरूप बना दिया है खेल अधिगम, तो अब बच्चा को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसको मजा आता है क्योंकि वो खेलता है, सीखता नहीं है, वो खेल खेल में बहुत कुछ सीख लेता, खेल खेल में बहुत कुछ सीख लेता। अगर बच्चा को बोले हाँ बाबू पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, बोल बोल के तो थक गया आदमी, अभी स्टेटमेंट चेंज हो गया, बाबू जो करना करो, हाँ नहीं
तो देखो अब यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि अधिगम परिस्थितियों का अस्थिकरण की अवस्थाओं की व्यवस्था निम्न रूप में की गई है, तो आइए देखते हैं इसका जो लेबल है किस रूप में की गई। देखिए पहला उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, बोले तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। जी सबसे बड़ा तो रिस्पॉन्स होना चाहिए। आप यहाँ पर क्लास में कोई रिस्पॉन्स नहीं हूँ, हाँ हाँ सर दिस हेडेट है, हाँ जी याद करके आना, फिर आके एकदम कोई सब गायब, नील बटा नील कोई सुनाता ही नहीं, तो वो सब रिस्पॉन्स सही नहीं है। ठीक है आप सोचिए कल को आप ही टीचर या अभी गए पढ़ाते होंगे, सोचिए अगर आपके स्टूडेंट्स वर्क ना करें तो टीचर किसके लिए वर्क करते, स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए। अब यहाँ पर क्या है आप देखोगे शाब्दिक स्तर संबंध, लेक्सिकल रिलेशन, तो लेक्सिकल का मतलब कि क्या होता है शाब्दिक स्तर संबंध, तो क्या आप हमारे शब्दों से बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसी, अगर मेरा शब्द एकदम खराब लगे जैसे बहुत सारा हंसी मजाक कर देते हैं तो हंसी मजाक का मतलब आप समझ रहे हो सर कुछ ना कुछ याद करने आने का प्रयास में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लगे कि नहीं किसी और तरह का मंतव है तो बताइए रहोगे कि भाग जाओगे यही कि नहीं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शब्द से लोगों को बांधने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है बहुभेदीय परिस्थितियां मल्टीपल, नेक्स्ट है प्रत्यय अधिगम, बोले तो डायरेक्ट लर्निंग अधिगम, अधिनियम अधिगम, एक्ट लर्निंग और समस्यात्मक अधिगम प्रॉब्लमेटिक लर्निंग। तो यहाँ पर याद रखोगे ये पूरी तरीके से बात हम किस पर कर रहे हैं, पूरी तरीके से बात कर रहे अधिगम परिस्थितियों को लेकर। रॉबर्ट गेने ने जो इसका कई तरह के स्तर को बताने का काम किया तो उस पर चर्चा किए, तो याद करो ऐसे याद करो रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया, तो रिस्पॉन्स होगा तो हमको भी बोलने में बनेगा ना जी शब्द, तो उसके बहुत तरह का चीज करके दिखाएंगे डायरेक्ट वे में, फिर अधिनियम और समस्यात्मक अधिगम। ठीक है इस तरह से आप देखोगे देखने को मिलती है, तो आज इतना बताएं, नेक्स्ट क्लास फिर आगे की ओर बढ़ने का काम करेंगे, ठीक है।